नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। तुर्की युद्धपोत बनाने वाले टॉप 10 देशों में शामिल हो गया है। ये जानकारी खुद तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने इस्तांबुल के न्यू मरीन सिस्टम के वितरण समारोह में दी। उन्होंने कहा कि तुर्की शीर्ष 10 देशों में से एक देश है जो अपने युद्धपोतों के डिजाइन और उत्पादन खुद कर सकता है। उन्होंने कहा अंकारा तुर्की और उनके सहयोगी देशों की अधिकारों की रक्षा करना चाहता है क्योंकि ये तुर्की की आर्मी को बेहतर हथियारों से लैस करता है। उन्होंने कहा कि तुर्की की रक्षा उद्योग परियोजना का बजट बढ़कर 60 अरब डॉलर हो गया है। एर्दोगान ने कहा कि इस साल हमें समुद्र से अच्छी खबर मिल रही है। उन्होंने आगे कहा कि काले सागर में गैस का भंडार मिलने से ये साबित होता है कि हमारे देश का पानी ही नहीं, पानी की जमीन भी दौलत और बरकत से मालामाल है। उन्होंने कहा कि तुर्की भूमध्य सागर में अपनी सरगर्मियां जारी रखेगा। एर्दोगान ने कहा है कि काले सागर के बाद अब जल्द ही भूमध्य सागर से भी हमें अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है। हम तुर्क ना ही दूसरों के हक में कब्जा करते हैं और ना ही अपने अधिकार पर किसी और को कब्जा करने देंगे। हम भूमध्य सागर में किसी ऐरे गैरे के सामने नहीं झुकेंगे। हम भूमध्य सागर और काले सागर में दादागिरी और गुंडागर्दी की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। हम समुद्र में अपने हितों की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। एर्दोगान ने कहा कि तुर्की के करोड़ों लोग हमारे साथ खड़े हैं। तुर्की पर टेढ़ी निगाह रखने वाले लोगों से हम कहना चाहेंगे कि वो इतिहास से सबक लें। तुर्की ने हाल में ही काले सागर से तेल और गैस का भंडार खोजा है जिसके बाद तुर्की और ग्रीस में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। तुर्की ने पिछले दिनों ही घोषणा की थी कि वो ग्रीस के क्रीट द्वीप के पास ही अपना सैन्य अभ्यास करेंगे। तुर्की ने घोषणा की थी कि वो अपना अभ्यास 27 तक जारी रखेगा। ग्रीस के साइप्रस के पास विवादित जल क्षेत्र में तेल और गैस का भंडार मिलने के बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ गया है। इसे लेकर ग्रीस का मानना है कि तुर्की सर्वे जहाज से उसके महाद्वीप जल क्षेत्र का उल्लंघन कर रहा है। ग्रीस का द्वीप कास्टेलोजिलो तुर्की तट से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे लेकर यूएई भी तुर्की के खिलाफ उतर आया है। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा ये उन देशों के लिए संभव नहीं है जो आत्मविश्वास के साथ अपने भविष्य को देखने के लिए रक्षा के क्षेत्र में मजबूत और स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा जैसा कि देश अपनी राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा जरूरतों को पूरा करता है, तकनीकी स्वतंत्रता अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अवरोध पैदा करने के लिए पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। राष्ट्रपति ने कहा कि तुर्की ने 2 आपातकालीन प्रतिक्रिया गोताखोरी प्रशिक्षण नौकाओं, 2 नए पानी के नीचे विध्वंस नावों और 8 तेज गश्ती नौकाओं को अपने नौसैनिक बलों के साथ जोड़ा है। उन्होंने कहा कि रक्षा उद्योग ऐसा क्षेत्र नहीं है जो ठहराव को संभाल सके। हमें और अधिक उन्नत उत्पादों का उत्पादन करना होगा। एर्दोगान ने कहा कि तुर्की पूर्वी भूमध्य सागर से एजियन तक, काला सागर से बालकन, काकेशस और अफ्रीका तक अपनी नीतियों को लागू कर सकता है क्योंकि ये राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में पहुंच गया है।